टोमेटो एटीएम। हरिद्वार नाम के गांव में गौरव नाम का एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा था। जॉब्स के लिए अप्लाई करके वो मिलने तक घर घर घूमकर सब्जी बेचने का काम करता था। एक दिन अचानक से टमाटर का रेट बहुत बढ़ गया था। तभी हरिद्वार के किसान के पास उस गांव के मार्केट का डिस्ट्रीब्यूटर रमेश आया। देखिए, इस बार आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक किलो को 20 रुपए देने के लिए हमारे लोग मान गए हैं। तुरंत ही माल बेच दीजिए। क्या भाई साहब, मार्केट में टमाटर का दाम 1 किलो 100 रुपए चल रहा है, तो आप 20 रुपए देने के लिए कहते हो? ऐसा हो तो हमें वर्कआउट नहीं होगा, और वैसे भी टमाटर का रेट हर साल एक बार या दो बार ही बढ़ता है, तभी भी आप लोग ही हड़प लेने के लिए सोच रहे हो, अभी हमें मंजूर नहीं है। क्या रे, जबान बहुत तेज चलाने लगा है। हमें दिए बिना तुम लोग कैसे टमाटर को बेचते हो, मैं भी देखता हूँ। घूम घूम कर आखिर में मेरे पैर के पास ही आओगे, तब मैं बताऊंगा तुम्हें, कहकर वहाँ से चला गया। फिर ये सब होने के बाद किसानों के पास गौरव आकर, भैया थोड़ी देर पहले रमेश भैया का बात सुना था, मुझे एक मौका दो भैया, मैं घर घर घूमकर टमाटर को बेचकर आप लोगों को पैसे दूंगा। अरे गौरव, तुम तो आजकल ही सब्जियां बेच रहे हो ना, तुम्हारा खून गर्म है, लेकिन तुम्हें घर घर में औरतों का सौदाबाजी के बारे में मालूम नहीं है। उनका झटके से तुम ये सब्जियां बेचना मुझसे नहीं होगा, हे भगवान के अगर भाग जाओगे। उतना ही नहीं, घर घर में बेचोगे तो ये औरत लोग 1 केजी कहकर और आधा केजी हड़पते हैं, वो सब वर्कआउट नहीं होगा। कोई दूसरा काम है तो देख लो, मैं उस रमेश के साथ बात करके कोई एक रेट सेट करता हूँ। भैया, तोल भाव करना मुश्किल है, तो मेरे पास एक आइडिया है, उसका नाम टोमेटो एटीएम है। क्या टोमेटो एटीएम, ये क्या है रे, नाम वैरायटी है? भैया, टोमेटो एटीएम मतलब बहुत सिंपल है। हमारे मनी एटीएम में कैसे पैसे डालते हैं, वैसे ही हम इस टोमेटो एटीएम में टमाटर डालेंगे। एक मशीन तैयार करके उसमें एक आदमी बैठा रहेगा, बाहर से पैसे डालेंगे तो अंदर से वजन तोल के टमाटर को पैक करके बाहर डालेगा। तब अंदर का आदमी और बाहर के आदमी के बीच संबंध नहीं होने के कारण मोल तोल के लिए भी मौका नहीं मिलेगा भैया। अरे वाह, ये तो सुनने में तो बहुत अच्छा है, मैं हमारे लोगों से बात करता हूँ। फिर गौरव खुशी से वहां से वापस चला गया। उसके बाद वो अपने दोस्त मैकेनिक श्याम के मदद से 2 दिन मेहनत करके टमाटर एटीएम तैयार किया। फिर उसके बाद किसानों को दिखाया, वो उन लोगों को पसंद आया और वो टमाटर देने के लिए तैयार हो गए। गांव में जाकर गौरव सब गांव वालों को बुलाया। लोग वहां आने के बाद, देखिए गांव वाले, बाहर मार्केट में 100 रुपए में बेचने वाला टमाटर को आपको इन किसानों ने सिर्फ 60 रुपए में देने के लिए ये टमाटर एटीएम को लगाया है, इसलिए आप लोग इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तब लोगों ने तालियां बजाए। फिर अगले दिन से गौरव टमाटर एटीएम में बैठकर लोगों को अच्छा टमाटर बेचना शुरू किया। उसकी वजह से लोगों को भी पसंद आकर टोमेटो एटीएम से टमाटर को खरीद कर जाने लगे। उसकी वजह से आसपास में वो टोमेटो एटीएम बहुत मशहूर हो गया। तब किसानों ने दूसरे गांव में भी ऐसे टोमेटो एटीएम रखकर टमाटर को बेचना शुरू करने लगे। लोगों को भी बहुत पसंद आया और टमाटर खरीद कर जाने लगे। फिर एक दिन गौरव उसके टोमेटो एटीएम में बैठकर टमाटर को बेच रहा था, तभी रमेश वहां कुछ लोगों के साथ आया, गौरव को बाहर बुलाया। क्या रे, हमें जो बेचना है वो माल तुम बेच रहे हो, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे सोच रहे हो क्या? अभी तुम्हारा टमाटर एटीएम को लोगों के सामने कैसे नाश करता हूँ देखते रहो। कहकर उसके आदमी के साथ मिलकर उस टमाटर एटीएम को नाश करने के लिए देखा। ये देखकर लोग रमेश और उसके आदमियों को पकड़कर खूब पीटे, तब वे मार को सह नहीं पाकर वहां से भाग गए। उसके बाद से वे लोग कभी भी किसानों के पास या एटीएम के पास नहीं आए। रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल टोमेटो फार्मिंग। समस्तीपुर नाम के गांव में पटनायक नाम का किसान रहता था। उसका बेटा सुधीर शहर में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। पटनायक अपने 2 एकड़ जमीन पर खेती करता था।
उसकी खेत की सिंचाई के लिए गांव के सरपंच रामचरण के खेत से पानी जाता था। एक दिन पटनायक दूसरे किसान से, लगता है कि अपने खेत की सिंचाई की पानी की जरूरत के लिए हमें जिंदगी भर इस सरपंच को पैसे देते रहने होंगे। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे जब तक वो तालाब उसके कब्जे में है हम कुछ और कर भी नहीं सकते। अरे हम में से कोई ये भी तो नहीं जानता कि ये तालाब किसने बनाया, कब खुदवाया, किसके नाम पर है। लेकिन गांव का मुखिया कहता है कि ये तालाब उसके पुरखों का है। भाई सच्चाई तो भगवान जाने। यूं दुखी होकर गांव के सब किसान अपनी खेत की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पूरा करने के लिए रामचरण को पैसे भरते रहते थे। सरपंच की एक पगली बेटी थी नीलिमा। उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की और वो भी नहीं जानती थी कि कब वो क्या कर बैठेगी। सब पागलों की हरकत करती रहती थी। एक दिन सरपंच ने निर्णय किया कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। उसने पटनायक को अपने घर बुलाया। क्यों पटनायक, कैसे हो? तुम्हारे खेत को पानी तो ठीक से मिल रहा है ना? तुम्हारे खेत में अच्छे फसल उग रहे हैं ना? यूं कहकर मैं अपनी बेटी नीलिमा की शादी तुम्हारे बेटे सुधीर के साथ करना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो? मैं अपने बेटे से पूछ कर कहता हूँ। कहकर वहाँ से चुपचाप चला गया। छुट्टियों में सुधीर अपने घर गया। खाना खाने के बाद पटनायक सुधीर से, बेटा हमारे गांव का सरपंच रामचरण अपने बेटी नीलिमा की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता है। तुम तो उस लड़की के बारे में जानते हो ना बेटा, तुम क्या कहते हो? क्या उस पगली से? अरे बापू मैं नहीं करने वाला। और वैसे भी मेरी पढ़ाई अभी पूरी कहाँ हुई है? जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं शादी करूँगा। आप रामचरण जी से जाकर ये बात कह दीजिए। कहकर वहाँ से उठकर चला गया। भाई मेरा बेटा भी शादी के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से कह रहा था कि तुम्हारी बेटी से तो बिल्कुल शादी नहीं करेगा। अरे मैं भी देखता हूँ कि कैसा नहीं करेगा। अरे मेरी इकलौती बेटी है, शादी के बाद ये सब कुछ उसी का तो है। बस इस वक्त से तुम्हारे खेत के लिए बिल्कुल पानी नहीं पहुँचेगा। जाकर ये बात तुम अपने बेटे से कहो। पटनायक दुखी होकर घर लौटा। फिर अपने बेटे सुधीर से, बेटा लगता है कि अगर तुमने उसकी बेटी से शादी नहीं की तो रामचरण हमारे साथ दुश्मनी मोल लेगा। वो कह रहा था कि अपने खेत के लिए वो पानी बंद कर देगा। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप चिंता ना करो बापू, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन रामचरण ने पटनायक के खेत के लिए पानी की व्यवस्था को बंद कर दिया। सुधीर पटनायक के साथ अपने खेत में गया। पिताजी हम इस बार टमाटर की फसल उगाते हैं। आजकल मार्केट में टमाटर की खूब डिमांड है। ड्रिप इरिगेशन नाम की एक पद्धति है, इससे कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इजराइल जैसे मरुस्थल वाले देश में पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी बहुत बढ़िया फसल उगाते हैं। जो प्लास्टिक बोतल फेंके जाते हैं उनका प्रयोग करके हम बढ़िया फसल उगा सकते हैं पिताजी। ये कैसे बेटे? प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन में छोटे छोटे छेद करने होंगे पिताजी, फिर बोतलों के पिछले हिस्से को काट कर उन सारे बोतलों को डंडों से बांध कर उन्हें उल्टा खेत के ऊपर लटका देना चाहिए। फिर उन खुले भाग में पानी भर देना चाहिए। वो पानी धीरे धीरे बूंद बूंद जमीन पर गिरेगा, इस तरह पौधों को पानी पहुंचेगा, इस तरह अच्छी फसल उगेंगे। यूं उसने जानकारी दी। तब सुधीर ने पुराने प्लास्टिक बोतल जमा किए। उनके ढक्कनों में छेद करके उनके पिछले भागों को काट कर उन्हें डंडों के सहारे से कतार में बांध कर उसमें पानी भरकर धीरे धीरे खेत की सिंचाई करने लगा। यूं कुछ ही दिनों में टमाटर के पौधे उगे, कुछ ही दिनों में बड़े बड़े टमाटर लगे, अच्छी फसल उगी। और ये देखकर पटनायक ने अपने बेटे की सूझबूझ की खूब प्रशंसा की। टमाटर के फसल का खूब पैसे मिले। सुधीर ने अपने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी पर लग गया। इस तरह समस्तीपुर के बाकी किसान भी ड्रिप इरिगेशन की पद्धति को अपनाने लगे और फसल उगाने लगे।